फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं एंड अभी हम लोग बन गए अभी आज के लिए आज का हे फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इस मी पायल एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग ब्लॉग। सो आप देख सकते हो मैं थोड़ा बहुत रेडी हो चुकी हूँ। हम लोग का जो सुबह का ब्रेकफास्ट है सब कुछ हो चुका है। अभी बज रहे 12 तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट किए हैं। हम लोग थोड़ा बहुत लेट हो गया है आज तो अभी ब्रेकफास्ट करके हम लोग जाएंगे बाजार। तो बाजार हम लोग जाएंगे बिकॉज दीपावली आ चुकी है भाई, तो दीपावली में थोड़ा बहुत तो शॉपिंग करना ही है, तो उसी का शॉपिंग करने में हम लोग जा रहे हैं बाजार। तो चलिए मेरे साथ दीपावली की शॉपिंग करने। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम लोग निकल चुके हैं एंड इधर इतना मतलब बारिश हो रही है, इतना नहीं हो रही है बट शायद हो सकता है बाजार जाते जाते शायद ज़्यादा हो जाएगा। हाँ मोबाइल स्टैंड लो लाल मोहते जी स्टैंड ये घर के सामने ही है। मुझे बोल रहे हैं कि स्टैंड लेके फिर जाना चाहिए ना, हाथ में लेके क्यों जा रहे हो। तो बाजार में क्या मिलेगा अभी पता नहीं है, तो ये देखती हूँ जाके देख के फिर पता लगेगा। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं लंका मार्केट में एंड इधर देखिए कितना भीड़, हर तरफ बोम 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 पटाखे एंड फुलझड़ी हर तरफ। हाँ मिल जाएगा, ढूंढते ढूंढते मिल जाएगा आपको। पूजा घर का सब कुछ तो हम लोगों ने ले लिया है लेकिन अभी अभी ढूंढ रहे हैं हम लोग बॉम्ब। तो फुलझड़ी एंड तारावती एंड स्पेशली वो स्काई लैम्प वाला मैं ढूंढ रही हूँ। स्काई लैम्प अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। कहाँ हो आप, कहाँ हो, मेरे साथ साथ रहो। सो फ्रेंड्स दीपावली के दिन हर साल लंका मेन मार्केट में यहाँ पे पूजा होता है, बहुत बड़ा करके काली पूजा होता है, तो उसी का डेकोरेशन यहाँ पे चल रहा है। इधर हम लोगों से चंदा भी मांग लिया था उन लोगों ने। तो चलते चलते हम लोगों को मिल गया ये पटाखे की दुकान जहाँ पे सब कुछ अच्छा ही लग रहा था देखने में, तो ले लिया हम लोगों ने इधर से। तो देखते रहिए आप लोग। हम लोग दीपावली शॉपिंग सब पटाखे ले लिया हम लोगों ने। इधर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है, हम लोग देखिए ये सब लेके एक कपड़े की दुकान में घुस चुके हैं बिकॉज सामने ना क्या हुआ है, सामने क्या हुआ था मैंने पुलिस आगे क्या बोलती है फोर्सेस आगे जो पटाखों से ज़्यादा आवाज़ आती है उनको वो लोग बेच नहीं दे रहे हैं। साउंडलेस दिवाली के लिए लाइक ऐसा, हाँ साउंडलेस दिवाली के लिए वो लोग रोक लगा रहे हैं, लाइक जो भी पटाखे साउंड देगा तो उसको अलाउ नहीं करेगा, इसलिए हम लोग अभी घुस चुके हैं। हम लोग का शॉपिंग हो चुका है ख़त्म एंड अभी वो लेने चले गए हैं इधर मिठाई भगवान जी के लिए, तो मिठाई लेके हम लोग चले जाएंगे घर, तो देखते रहिए। तो फ्रेंड्स हम लोग घर पे आ चुके हैं एंड अभी मैं थोड़ा फ्रेश होके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, अभी जाके आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कि हम लोग क्या क्या लिए हैं। तो चलिए ये शायद वो है, वो ग्रीन कलर का जो होता है ना एटम लाइक वो है। तो ये है रॉकेट, ये मैंने ले लिया रॉकेट। फिर इसमें तीन चार घाटे थोड़ा बहुत है जैसे ये भी लिया एंड ये है किटकैट बोल रहे हैं इसको, इसको किटकैट बोल रहे हैं, ये भी लिया है। फिर टन 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 ये है धान छोड़ी। ये घर के सामने लगाने के लिए इधर लगाऊंगी, तो ये मैंने लिया है, सिंपल है बट
शायद अच्छा लगेगा, लगाने के बाद पता चलेगा, आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी। तो अभी लंच कर लेती हूँ। तो गाइस हम लोग का खाना हो चुका है ख़त्म एंड अभी हम लोग जाएंगे कुछ बनाने, तो चलिए हमारे साथ, देखती हूँ। मैं नहीं बनाऊंगी, मेरे हस्बैंड बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं क्या बनाते हैं ये। तो ये है मेरे शेफ। हाँ तो आइए, क्या बनाओगे, क्या बनाओगे? पिज्जा बनेगा, पिज्जा। चलिए हो चुका है, मतलब बाहर एकदम एकदम से मतलब पूरा क्लाउडी होके रखा है पूरा। बज रहा है 3, लेकिन देखिए घर में लाइट देना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरे हस्बैंड आ चुके हैं इधर सब कुछ लेके पिज्जा के डो बनाने, तो वो लग चुके हैं। ये मैदा है, उसमें थोड़ा नमक दिया हुआ है। अभी क्या दे रहे हो? इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। पांच मिनट से ये कर रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? हाथ दुख रहे हैं। हाथ चुके हैं मेरे। तो फ्रेंड्स हम लोगों का जो पिज्जा डो है वो हो चुका है रेडी एंड अभी उसको हम लोग देंगे 2 घंटा, उसको एकदम अच्छे से वो फुल के एकदम रेडी हो जाएगा पिज्जा के लिए। तो पिज्जा का जो रेसिपी है ना, मैं आप लोगों के साथ अभी इस वीडियो में शेयर नहीं करूंगी, वो उसके लिए मैं सेपरेट शॉर्ट्स बनाऊंगी उसका, तो उसको शॉर्ट्स बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी फिलहाल हम लोग जाके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद जो इवनिंग का थोड़ा सा बहुत रिचुअल है आज वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी जाती हूँ सोने, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स इवनिंग हो चुका है एंड इवनिंग होते ही मैं और मम्मी आ चुके हैं इधर भगवान के घर पे। तो दीपावली के पहले दिन हम लोग क्या करते हैं, मतलब भगवान जी के सामने ऐसे बनाना लीफ के ऊपर 14 दिए जलाते हैं, उसके बाद भगवान जी को पूजा करते हैं। तो यही कर रहे हैं हम लोग एंड बैकग्राउंड में जो आप म्यूजिक सुन रहे हो ना, ये और कुछ नहीं है, ये पापा जी केशियो में बजा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जो लोग मेरे बंगाली व्यूअर्स हो ना, ये जो ट्यून है बहुत अच्छी तरीके से पहचान सकते हो, बिकॉज ये काली माँ का एक बहुत ही फेमस सॉन्ग का है, तो बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने इसको म्यूट नहीं किया। तो सुनते रहिए एंड देखते रहिए आप लोग। हम लोग का इवनिंग का पूजा हो चुका है ख़त्म एंड इधर देखिए जो पिज़्ज़ा डो है वो भी एकदम फुल के रेडी हो चुका है। तो हम लोग का पिज़्ज़ा भी हम लोगों ने बना दिया है एंड वो कर रहे हैं सर्व। तो देखते रहिए, इतना जूसी हुआ है, इतना अच्छा हुआ है देखने में, तो पता नहीं अभी खाने में कैसा होगा। वैसे तो खाते हैं बाजार का तो बना हुआ खाते हैं, लेकिन होममेड खाने का जो मजा है ना बता नहीं सकती आप लोगों को। क्रस्ट है, मजा आ गया। पहले बता आपको कैसा लगा? सेम है, देखो सॉस एकदम परफेक्टली, हां परफेक्ट लगा है, सब कुछ परफेक्ट। थोड़ा और हो सकता था, ये डर के मारे हम लोग निकाल लिया इसको। हाँ देखो ना, देखो ना। तो फ्रेंड्स आज का ये जो ब्लॉग है मैं ये पे ख़त्म करती हूँ, हम लोग खाते खाते ये ब्लॉग ख़त्म कर लेते हैं। तो कल है दीपावली, दीपावली मैं मिलती हूँ आप लोगों से, तो उसके लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।